हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल का जो है डीपी डीएम कनेक्शन होता है, जो फाइव कनेक्शन होता है उसके बारे में। कि आप अगर मान के चलिए कि आपको सामने दिखा रहा हूँ बोर्ड, और मान के चलिए कि आप इसमें जो चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान के चलिए कि ये कस्टमर को इसको तोड़ करके लाया है, और इसमें जो प्रिंट भी नहीं है कि आप इस चार्जिंग कनेक्टर को दोबारा इसमें बैठा सकें, तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें जो फाइव कनेक्शन होता है डीपी डीएम डी माइनस डी प्लस बूट और वाइब्रेट, ठीक है, और ग्राउंड, तो ये फाइव कनेक्शन जो होता है, इस फाइव कनेक्शन को आप यूज कर करके जो मतलब अपने मेडिकल बॉक्स में या किसी अदर बॉक्स में भी आप उसे बूट करा सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट करा सकते हैं, उसका जो है उसे अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको ये जो जी केबल देख रहे हैं जो मेडिकल के बॉक्स के साथ में आता है, इसे आपको यूज करना होगा। इसमें आपको फाइव कनेक्शन करना होगा, ठीक है। फाइव कनेक्शन जो आप करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें पांच को आपको वायर इसमें जो है सोल्डरिंग करना होगा, और पांचों वायर को आपको, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इस केबल के बारे में जो है, जो जिग केबल है, ये मेडिकल बॉक्स के साथ में आता है, वेलकनो बॉक्स के भी साथ में आता है, और एविटेड बॉक्स के भी साथ में आता है, ठीक है। यानी जितनी भी चाइनीज बॉक्स है सभी बॉक्स के साथ में ये केबल जो है आता है, ठीक है, इसे हम लोग जिग केबल कहते हैं। और इसमें जो RXTS के बारे में आपने सुना होगा, जैसे पहले मैंने वीडियो बना रखा था कि RXTS का जो आप कैसे इसको मैनुअल इसको बूट करा सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से, चाहे किसी भी बॉक्स से, ठीक है। लेकिन RXTS को बात आप हटा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फाइव कनेक्शन के बारे में, और आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप YouTube पर अगर सर्च भी मारेंगे आप फाइव कनेक्शन के बारे में और DPDM के बारे में, तो आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज तक आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए हैं हमें, तो हमने सभी कमेंट्स का जो जवाब आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, आप अपने ईमेल में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे पे लावा का जो मोबाइल है, और इसमें जो इसका चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है, और इसमें मैंने फाइव कनेक्शन किया है। आपके पास जो जिग केबल होगा उसमें आपको एक नंबर पर आपको जो है वायर लगाना है रेड कलर का, ठीक है, और वो एक नंबर पे जो वायर लगाएंगे रेड कलर का, तो उसको आपको लगाना है मोबाइल के जो है इसमें वाइब्रेट पर, ठीक है, वाइब्रेट पर आपको लगाना है, ठीक है। और दो नंबर वायर जो है आपको डी प्लस पर लगाना है, दो नंबर आप जिग केबल में जो वायर लगाएंगे उसको डी प्लस पे आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर पिन पर जब आप जिग केबल में वायर लगाएंगे तो उस वायर को आपको यहाँ मोबाइल के बोर्ड में आपको डी माइनस पर लगाना है, ठीक है। और चार नंबर का जो वायर आप लगाएंगे जिग केबल पर, चार नंबर जिग केबल पर आप वायर लगाएंगे तो वो वायर आपको यहाँ मोबाइल के ग्राउंड में लगाना है, ठीक है, ग्राउंड जहाँ लिखा होगा मोबाइल में वहाँ पर आपको लगाना है। और रही सवाल पांचवें नंबर वायर की, कि पांचवें नंबर वायर जब आप जिग केबल पर लगाएंगे तो उसके वायर, उस वायर को आपको जो है यहाँ पर मोबाइल के बूट पर लगाना है, जहाँ बूट लिखा होगा वहाँ पर आपको लगाना हो। और ये डायग्राम आप देख लें ध्यान से, और फिर भी आपको समझ में ना आए दोस्तों तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखें और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कनेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मैनुअली कनेक्शन नहीं है, ये ऑटो कनेक्शन है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है बूट करेगा मेडिकल बॉक्स में। आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, और आप डायरेक्टली इस कनेक्शन से आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेडिकल बॉक्स से मैंने इस मोबाइल को जो है फाइव कनेक्शन के जरिए, जो है जिग केबल के जरिए से मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद मेडिकल बॉक्स का जो सप्लाई वाला केबल है, ठीक है, माइनस प्लस का जो वायर है उसे भी हमें मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पर लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों अब मेडिकल बॉक्स का जो टूल है उसे हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। अब हमें फोन पिन आउट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें रीड स्टेटस पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने फाइव कनेक्शन किया है वो फाइव कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है साइट में, जो ऊपर में सबसे ऊपर में एक नंबर में दिखा रहा था वाइब्रेट,
और डी प्लस डी माइनस, 4 नंबर पे ग्राउंड और 5 नंबर पे बूट कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा फिर से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने फिर दोबारा से रीडी स्टार्टर्स पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर में दिखा रहा है वाइब्रेट, क्योंकि हमने एक नंबर पिन को जो वाइब्रेट पे दिया था, उसके बाद दूसरे नंबर पिन को हमने डी प्लस पर दिया था और तीसरे नंबर पिन को हमने डी माइनस पर दिया था और चौथे नंबर पिन को हमने जो है ग्राउंड पर दिया था। तो चौथे नंबर पर यहाँ ग्राउंड दिखा रहा है और पाँचवें नंबर पर जो हमने बूट पर दिया था, तो यहाँ पाँचवें नंबर बूट पर है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो कौन सा सीपीयू है वो ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड ड्रम सीपीयू, स्पीड ड्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे अब अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये जो सीपीयू है स्पीड ड्रम 6531, इसे हमें अनलॉक करना है। तो हमने रीड अनलॉक पर क्लिक किया, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो ये लॉक जो यहाँ पर दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 5 कनेक्शन करके DPDM कनेक्शन करके जीक केबल के जरिए से आप किसी भी मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं और किसी भी मोबाइल को बूट करा सकते हैं आप मेडिकल बॉक्स से, चाहे वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, चाहे वो कीपैड मोबाइल हो, चाहे वो कुलकॉम सीपीयू हो। ठीक है, किसी भी मोबाइल को आप इस तरह से बूट करा सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिकल बॉक्स और मेडिकल क्रैक जो है, तो मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप है और मेडिकल क्रैक जो है फ्री वाला वर्सन जो है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पहले से तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।